हेलो एवरीवन। तो यार मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे से, फॉर एग्जांपल मैं 2019 में पैथोलॉजी पढ़ा, फिर उसके बाद नोट्स मान लो किसी टीचर के हैं मेरे पास, और फिर उसके बाद मान लो 22 में मुझे एग्ज़ाम देना है या 23 में एग्ज़ाम देना है, जैसे मेरा एग्ज़ाम था 23 जनवरी में, तो क्या मैं नोट्स को चेंज कर दूँ क्या? मतलब 2020 में भी चेंज करूँ, 21 में भी चेंज करूँ, 22 में भी चेंज कर दूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कैसे किया, अब आप भी वैसा रेप्लिकेट कर सकते हो। आपको बार बार नोट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कई होता है ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूरा नोट्स ही चेंज करा देते हैं उस सब्जेक्ट्स का, तो आपको बिल्कुल भी वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ट्राई कर सकते हो जैसा मैंने किया, क्या पता आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। मैंने क्या किया ना कि जैसे कि मान लो 2019 का जो मेरा नोट्स था, तो मैंने जब 21 हुआ और 22 में जब पेपर्स हुए ना, उन पेपर के जो टॉपिक थे वो ऑलरेडी कई टॉपिक्स दिए हुए थे मेरे नोट्स में ही, तो मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया। और जो टॉपिक्स नहीं दिए हुए थे ना, जो नए क्वेश्चंस थे, तो जो क्वेश्चंस थे ना जिस टॉपिक से पूछे गए थे, वो टॉपिक बस मैंने ऐड कर दिया। पता क्या होता है कभी कभी ना, जैसे कि मान लो 10 लाइन या 5 लाइन ऐड कराना होता है उस टॉपिक में, तो टीचर क्या कराता है 20-25 लाइन ऐड करा देता है, तो वो हो जाता है लेंथी। क्योंकि तो मैंने ऐसा किया ना कि मान लो अगर कोई टॉपिक आया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है और मतलब जो पूछे जा सकते हैं, मतलब मैंने क्या किया ना कि मान लो अगर कोई टॉपिक पूछा गया और वो मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैंने क्या किया ना कि उसको 5-6 पॉइंट में उसको अच्छे से उसके सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स लिख लिए अपने नोट्स में ही, जो पहले मैंने 2019 में बनाए थे। तो जब 2021-22 जो भी पेपर हुए, अगर वो मेरे नोट्स में था वो टॉपिक, तो मैंने ऐड नहीं किया, और जो मेरे नोट्स में नहीं था तो वो उसमें मैंने क्या किया कि हर टॉपिक में 5-6 पॉइंट ऐड कर दिए उसी पुराने वाले नोट्स में। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका टाइम बचेगा, नए नोट्स बार बार आपको बनाने नहीं पड़ेंगे हर साल, और आपका फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो जितने बार उसको पढ़ोगे ना, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा बजाय कि बैठ के लिखना और नोट्स बनाना बार बार, हर बार नए नए नोट्स बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।